हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका जेपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम फ्यूचर टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। आपको हम बता दें कि फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस की ही पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी इसके बारे में जानेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, साथ में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलने के बाद और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने के बाद नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी और शैल विल और शैल बी का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस के लिए है। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एग्जांपल है, आई शैल लर्न माय लेसन। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब लगी है, माय लेसन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बदले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। माई लेसन ऑब्जेक्ट है माई लेसन, क्योंकि यह जो नया सब्जेक्ट बना है थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, तो यहां शैल नहीं बल्कि विल का प्रयोग हो जाएगा। माई लेसन विल बी, लर्न की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लर्नड बाई सब्जेक्ट आई था, सब्जेक्टिव में था, ऑब्जेक्टिव केस में जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई की जगह मी हो जाएगा, तो इसका पैसिव बन जाएगा माई लेसन विल बी लर्नड बाई मी। सेकेंड सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड है, यू विल फिनिश योर वर्क। यहाँ योर वर्क ऑब्जेक्ट है, बदल कर सब्जेक्ट में ले आएंगे इसको, हो जाएगा योर वर्क विल बी फिनिश्ड बाई सब्जेक्टिव में यू है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यू ही होता है, लिख देंगे यू। ये अफर्मेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस थे फ्यूचर इंडेफिनिट के। अगर इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे तो नेगेटिव का नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग अगर इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में बना लेते हैं, मान लीजिए पहला सेंटेंस आपका आ जाता है आई शैल नॉट लर्न माय लेसन, तो सेंटेंस आपका जब नेगेटिव में है तो इसकी पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में बनेगी, चेंज करके हो जाएगा माय लेसन विल नॉट बी लर्न बाय मी। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस का इंट्रोगेटिव अगर बनाए तो यहां पर हो जाएगा विल यू फिनिश योर होमवर्क या योर वर्क, चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा, हो जाएगा विल योर वर्क बी फिनिश्ड बाय यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस नेगेटिव का नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड अगर सेंटेंसेस हैं तो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का और शैल हैव बीन का प्रयोग करते हुए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो नए
यंग बी थर्ड फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस है सी विल हैव हेल्प मी, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज होता है। इसकी पैसिव जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में मी है, जब पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव में आ जाएगा, हो जाएगा आई, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, तो यहां पर हो जाएगा आई शैल है बीन हेल्प्ड बाय शी हर, ऑब्जेक्टिव में हर हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है दे विल हैव शंकर शाम, अ शाम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा अ शाम विल हैव बीन शंग बाय सब्जेक्टिव केस में दे है, ऑब्जेक्टिव में दे का देम हो जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव से रिलेटेड। इसी तरह से अगर निगेटिव होगा तो विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव होगा तो विल और शैल का प्रयोग पहले करते हुए फिर हैव बीन बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट के नए सब्जेक्ट के बाद। जैसे निगेटिव में अगर बदलना हुआ इसी सेंटेंस का तो सी विल हैव, सी विल नॉट हेल्प मी, लिखेंगे सी विल नॉट हैव हेल्प मी, या निगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस है चेंज करेंगे निगेटिव में ही हो जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय सब्जेक्ट शी है, हर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में बदलते हैं विल दे हैव शंग शॉन्ग, शंग ए शॉन्ग, इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बन जाएगी, हो जाएगा विल शॉन्ग है बीन शंग बाय देम। तो इस तरह से निगेटिव का निगेटिव में, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में और अफर्मेटिव का अफर्मेटिव में पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बच्चों फ्यूचर टेंस से रिलेटेड इन सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आपने जाना। इस तरह के सेंटेंसेस का अपने घर पर सुरक्षित रहते हुए अभ्यास करिए और अगले लेट से रिलेटेड और सम अदर ऑग्ज़ीलियरी से रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।